हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, क्लास टेंथ वाटर स्पीड प्रॉब्लम। ये चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इन क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। कंपटीशन लेवल पे भी ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आज मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जिसको कोई भी प्रॉब्लम है वो मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं, इसका तुरंत आंसर दूंगा मैं। तो आज हम दो क्वेश्चन करेंगे इस क्लास में। वाटर इज़ फ्लोइंग थ्रू ए सिलेंड्रिकल पाइप, फर्स्ट क्वेश्चन है। वाटर सिलेंड्रिकल पाइप से फ्लो हो रहा है जिसका इंटरनल डायमीटर दे रखा है, और ये वाटर जो है इन टू ए सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल टैंक जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है, उसके अंदर इस पानी को हम भर रहे हैं और एट द रेट ऑफ 0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन है, दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात जो इन क्वेश्चन में है वो है स्पीड ऑफ वाटर। वाटर की स्पीड को हमें कैसे यूज करना है तो हम ये डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन तो बाद की बात है, पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट बताता हूँ जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन कर सकें, ठीक है। तो देखो, आपको एक बात याद रखनी है, मैं भी क्वेश्चन पे बाद में आऊँगा, पहले ये एक्सप्लेन करूँगा कि पानी का जो फ्लो होगा हमेशा दो तरह के पाइप से होगा, या तो होगा सिलेंड्रिकल या होगा क्यूबोइडिकल। मान लो ये क्यूबोइडिकल कैनाल है और इससे पानी फ्लो हो रहा है, वाटर की स्पीड दे रखी है, कुछ भी गिवन है, मैं इसी एग्जांपल को नहीं ले रहा हूँ, 5 किलोमीटर पर आवर, और इसकी जो विड्थ है वो फिक्स है और हाइट फिक्स है। ये क्योंकि मैं एग्जांपल बता रहा हूँ इसलिए हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं अभी। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो स्पीड है इसका क्या मतलब है। 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड का मतलब है वाटर की जो लेंथ है, मान लो पानी यहाँ से फ्लो होना शुरू हुआ है ऐसे, इस यहाँ से, तो ये 1 आवर में मान ले यहाँ तक पहुँच गया। 1 आवर में यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया मतलब यहाँ से यहाँ तक उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, 5 किलोमीटर। तो ये हमारी इसकी लेंथ हो गई। तो क्यूबोइडिकल कंटेनर से जब वाटर का फ्लो होगा, कैनाल वगैरह कुछ भी, तो उसमें जो स्पीड होगी ये हमेशा उससे हमें लेंथ मिलेगी, है ना। तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ वाटर फ्लो इन 60 मिनट्स। ये जो स्पीड है इसका हम कैसे यूज करेंगे, लेंथ ऑफ वाटर फ्लो इन 60 मिनट कितना होगा, 5 किलोमीटर। अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड होगा कि तुम 5 किलोमीटर को 5000 मीटर लिख सकते हो। अब क्वेश्चन में मान लिया 10 मिनट दे रखा है, तो इससे 10 मिनट निकाल देंगे, हाफ एन आवर दे रखा है, हाफ एन आवर का निकाल देंगे, तो उससे हमें लेंथ मिल जाती है। स्पीड से क्या मिलती है, लेंथ। हमेशा याद रखना कि स्पीड से लेंथ मिलेगी। अब मान लिया क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 आवर, तो 1 आवर में वाटर का जो फ्लो है उसका वॉल्यूम कितना होगा। इससे जो पानी दूसरे किसी कंटेनर में जा रहा है, कुछ भी कंटेनर हो सकता है, तो 1 घंटे में कितना पानी जाएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेथ और हाइट तो जो गिवन होंगी वो होंगी, 60 मिनट का मतलब है 5000। ये में से याद रखो, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे 10 मिनट होता तो हम यहाँ पे 10 मिनट का निकाल लेते हैं, हाफ एन मान लिया आधा घंटा होता तो आधा घंटे में कितना हो जाता, 5000 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2500, है ना। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं आधे घंटे का 10 मिनट का। तो ये तो हो गया हमारा जब वाटर फ्लो किसी क्यूबोइडिकल पाइप तो नहीं होगा क्यूबोइडिकल, खैर कैनाल से होगा, तो ऐसे करेंगे, बाकी एग्जांपल से अच्छे से क्लियर कर देंगे। और दूसरी जो चीज़ है वो है वाटर का फ्लो अगर सिलेंड्रिकल टैंक से होगा तो क्या करेंगे। मान लो पानी का जो फ्लो हो रहा है
फिगर सही नहीं बनी है, वो सिलेंड्रिकल टैंक से हो रहा है, यहाँ पे स्पीड दे दी, वही सेम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं ऐसे। तो इस केस में इसका रेडियस दे रखा होगा। अब फिर वही बात है, इसके अंदर भी जो हमारी स्पीड होगी उससे हमें क्या मिलेगा, हाइट, सिलेंडर की हाइट मिल जाएगी। भाई मान लो पानी जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ फ्लो होना, यहाँ से लेके और एक घंटे में यहाँ पहुँच गया, आधा घंटे में यहाँ पहुँचेगा, तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 60 मिनट्स पाई आर स्क्वायर, एच की जगह हम ले लेंगे 5000 मीटर, अगर मीटर में कन्वर्ट करना है, और अगर किलोमीटर में रहने देना है तो 5 किलोमीटर ले लेंगे, और मान लिया वही अगर हमें 10 मिनट चाहिए तो 10 मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, हाफ एन आवर चाहिए तो हाफ एन आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरह से क्या है कि हमें हर क्वेश्चन में स्पीड का यूज कैसे करना है, क्यूबॉइडिकल वेसल में तो हमें करना है स्पीड का यूज लेंथ निकालने के लिए, और सिलेंड्रिकल में क्या करना है, हाइट निकालने के लिए, ये हमेशा याद रखेंगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं तो उससे आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो मैं ये इरेज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, भी हम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि वाटर फ्लो किससे हो रहा है। इस क्वेश्चन में जो वाटर फ्लो हो रहा है वो किससे हो रहा है, सिलेंड्रिकल टैंक से। आपको फ्यूचर में कभी भी कोई भी कंपटीशन देना है तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है उसमें। मैंने क्या बताया था कि इसमें डायमीटर गिवन है क्वेश्चन में, मतलब रेडियस तो हर क्वेश्चन में गिवन ही होता है। स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड ऑफ वाटर 0.4 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब वो करा इससे जो पानी जा रहा है उस पानी को हम एक दूसरे सिलेंड्रिकल टैंक में डाल रहे हैं, दूसरे सिलेंड्रिकल टैंक में इसमें हम पानी को डाल रहे हैं जिसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर। तो तुम्हें बताना है कि हाफ एन आवर में पानी का लेवल कितना बढ़ेगा। तो मान लेते हैं हाफ एन आवर में पानी यहाँ तक भर गया, तो ये हमें हाइट फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हमें ये निकालना है कि इसके अंदर कितना पानी गया है, उस पानी का वॉल्यूम कितना होगा, यहाँ तक होगा। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के रेडियस दे रखा, हाइट निकाल देंगे। तो देखो, और एक बात भी हमेशा ध्यान रखनी होती है कि यूनिट सारी सेम होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में तो सेम ही है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो करते हैं देखो क्वेश्चन, रेडियस ऑफ पाइप 1 सेंटीमीटर स्पीड ऊपर लिख दी थी हमने, चलो दोबारा लिखने का कोई फायदा नहीं है, हम यहां पर सीधे लिख देते हैं ऐसे, लेंथ ऑफ वाटर फ्लो इन 1 सेकेंड, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा 1 सेकेंड, तो 0.4 सेंटीमीटर। हमारे पास कितने सेकेंड हैं, हाफ एन आवर में कितने सेकेंड होंगे, 1800। तो लेंथ ऑफ वाटर फ्लो इन हाफ आवर, क्योंकि हाफ आवर पूछा है तो हाफ आवर का तो निकालेंगे, कितना हो गया 1800 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 720
सेंटीमीटर। ठीक है, अब वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम बताओगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन हाफ आवर कितना लेंगे? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू ऐसे रहने देंगे क्योंकि हमें इसके में इसमें भी पाई आएगा वो कट जाएगा। आर की जगह 1 और एच की जगह 720। तो कितना आ गया? 720 पाई। इतना पानी हमारा इसके अंदर गया है आधा घंटे में। अब ये वाला जो पानी है ये किसके अंदर गया है? इसके अंदर गया है ना। तो इसका रेडियस कितना है? रेडियस ऑफ टैंक 20 सेंटीमीटर। लेट वाटर लेवल राइज एच। इतना पानी जो है फील्ड में गया है, इतना गया है ना पानी, तो हम दोनों के वॉल्यूम को इक्वल रख देंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक यानी पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 720 पाई। तो पाई से पाई कट गया, आर की जगह 20 × 20 × h 720। तो h की वैल्यू निकाल देंगे इससे हम। सेवेंटी टू अपॉन फोर्टी है ना। तो इसको हम जितना हो जाएगा कर लेंगे। कितना आएगा? 8 से काट लेते हैं, 8 9 जा और 8 5 जा 9 upon 5 centimeters। तो 9 upon 5 centimeters मतलब 1.8 centimeters यानी पानी का जो लेवल है वो इतना इंक्रीज होगा। आधा घंटे में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सही है, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा सभी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें जो वाटर का फ्लो था वो सिलेंड्रिकल पाइप से था। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 13.3 का 8th क्वेश्चन है ना। एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन 8। अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से करना चाहते हैं तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ध्यान से समझना है क्या है इसमें। इस बार क्या है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वाटर इन कैनाल, कैनाल कैनाल में वाटर का फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा क्यूबॉइडिकल पाइप होगा विड्थ कितनी है? जैसे मैंने बताया था विड्थ गिवन है 1.5 मीटर डेप्थ है 1.5 मीटर। अब हम इसकी लेंथ फाइंड करनी है, उसके लिए स्पीड दे रखी है। स्पीड ऑफ वाटर 10 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब लेंथ ऑफ वाटर फ्लो इन 60 मिनट्स कितना? 10 किलोमीटर मीन्स 10,000 मीटर। हमेशा याद रखना है कि यूनिट सारी सेम होनी चाहिए,
देखो यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है, यहाँ किलोमीटर है, तो सबको चेंज करना है किसी एक में। तो 1 घंटे में लेंथ इतनी होगी, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 30 मिनट, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ से सारी मेंशन कर ही दिया हमने। तो ऐसा लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 30 मिनट्स। 30 मिनट में कितना होगा, फॉर्मूला लगाएंगे LBH, लेंथ कितनी है 5000, क्योंकि आधे मिनट का निकाल रहे हैं, आधे घंटे का। ब्रेथ कितनी है 6, हाइट कितनी है 1.5। तो कितना पानी फ्लो हो गया, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 45, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगी, तो इतने मीटर क्यूब पानी फील्ड के अंदर जाएगा। अब देखो इसके बाद आगे ध्यान से समझना है, ये जो वाटर है ये कहाँ पे चला गया हमारा, यहाँ से एक फील्ड में चला गया। ये फील्ड की शेप देनी रखी क्वेश्चन में, लेकिन ये दे रखा है इसमें जो पानी का जो लेवल है वो 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 8/100 मीटर। जो पानी की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, 8/100 मीटर। तो हमें एरिया फाइंड करना है कि कितना एरिया जो है इरिगेट होगा। अब सबको पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट, और इतना पानी गया है फील्ड में, इतना पानी फील्ड में गया है, तो एरिया इंटू हाइट इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे लिख देते हैं, लेवल ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन फील्ड, कितना पानी चाहिए 8/100 मीटर, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम सीधा कर देते हैं कि क्वेश्चन के हिसाब से एरिया इंटू हाइट इक्वल टू 45,000। ए का मतलब क्या है, एरिया ऑफ फील्ड, यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, लेट एरिया ऑफ फील्ड ए। तो ये हमें फाइंड करना है, हाइट की जगह 8/100, तो ए इक्वल टू कितना आ गया 45,000 इंटू 25/2, है ना। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसको कैलकुलेट करके जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो, कितना आ जाएगा मैं लिख देता हूँ 5, चलो कर देते हैं, इससे काट दिया है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इतने मीटर स्क्वायर ये एरिया हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। और अगर बाय चांस कई बार वो यूनिट पूछ लेते हैं कि हेक्टेयर में कन्वर्ट करो, क्योंकि जो फील्ड का एरिया होता है जनरली वो किस में होता है, हेक्टेयर में, तो उसके लिए हम इसको 10,000 से डिवाइड कर दें, तो आंसर आ गया 56.25 हेक्टेयर्स, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आज की क्लास में आपको दो तरह के क्वेश्चन करा दिए, स्पीड से रिलेटेड जिसमें वाटर की स्पीड दे रखी है, और ये इतना मैं समझा दूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का ये। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे को कमेंट में लिख सकते हो,
या कोई भी इस तरह का क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।